बानसुर विधायक शकुंतला रावत ने आज बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर बानसुर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं विधायक ने बानसुर पंचायत समिति सभागार में बानसुर खंड के चिकित्सा कर्मियों की बैठक ली। विधायक ने बानसुर अधिकारियों व चिकित्सा कर्मियों को निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं बताया जा रहा है कि आज बाबा साहेब की जयंती पर सभी अपने घरों में दीपक जलाकर अंबेडकर जयंती मनाएं। बानसुर SDM राकेश मीणा ने बताया कि बानसुर में आज कोरोना महामारी से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी समीक्षा के लिए आज माननीय MLA साहब के द्वारा अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। MLA साहब के द्वारा पूरी जो तैयारियां हैं उसका एक जायजा लिया गया है कि बानसुर उपखंड या बानसुर विधानसभा में किस तरह के कोरोना महामारी से लड़ने के लिए या राशन की समस्या से उभरने के लिए किस तरह की तैयारियाँ प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैंने MLA साहब से भी निवेदन किया है और आपको भी इसमें अवगत करा रहा हूँ कि भी जिस दिन से लॉकडाउन चला है उसमें उस दिन से लगातार हमारा धारा 144 जो राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुसार जो एडवाइजरी सरकार ने दी है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। लगातार लोगों से घर में रहने की अपील भी की जा रही है तथा दूसरा जो लॉकडाउन को लेकर जो राशन की समस्या लोगों के सामने जो इस तरह के लोग जो मजदूर हैं या दिहाड़ी वाले हैं या जो बाहर से लोग कुछ लोग हैं जो उनके सामने अपने रोज़गार बंद होने के कारण जो खाने पीने की समस्या है उससे निपटने के लिए हमने तुरंत ही सभी जो बानसूर के भामाशाह हैं उन सभी को सहयोग किए फिर उनसे उनको बुलाया उनकी मीटिंग रखी गई। सभी भामाशाहों ने सकारात्मक रूप से आगे आकर इसमें भाग लिया तथा सभी भामाशाहों ने अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार बानसूर राहत फंड हमने एक लोकल लेवल पर बनाया उसमें सहयोग प्रदान किया है। आज 14 अप्रैल है और जो भारत रत्न से सम्मानित सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और सभी को मैं बधाई भी दूंगी। लेकिन ऐसा एक ये समय है जिसमें कि एक महामारी जो कोरोना के रूप में फैल रही है हमारे भारत देश में, ये पूरे देश को एक तरह से एक कहना चाहिए कि आज की तारीख में पूरा भारत देश एक संकट से जूझ रहा है और ऐसे संकट के समय में आज हमको हर व्यक्ति को हर परिवार के सदस्य को साथ साथ कि डॉक्टर्स भी इसमें साथ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन खाली डॉक्टर्स, प्रशासन, तहसीलदार, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, इनके साथ साथ आम जन को भी, आम व्यक्ति को भी, हर इंसान को, महिला पुरुष को, युवा को, बच्चों को जागरूक होना पड़ेगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डरना नहीं चाहिए कभी भी किसी भी चीज़ से, हमेशा हौसला ही हर चीज़ को पराजित करता है। तो हमें डरना नहीं है, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो भी नहीं डरना है। लेकिन मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करूंगी कि हमारे यहाँ पर कोई भी बानसूर विधानसभा में ऐसा नहीं है, लेकिन जो है या जिनको थोड़ी संभावना है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपन जीत सकते हैं अगर आपका हौसला है, आप इस रोग से लड़ने की आपके अंदर शक्ति पैदा हो जाए कि ये रोग कोई बड़ी बात नहीं है। आते रहते हैं महामारियाँ, जाती रहती हैं, सदा से ही चलती आई है ये महामारी, हर तरह की फैलती रहती है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है, छुपने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आएँ और अपना इलाज करवाएं, इसका इलाज संभव है। मन में हौसला होगा तो इलाज जरूर संभव होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हर आम नागरिक को जागना पड़ेगा, हर इंसान को जग कर के इसका सामना करना पड़ेगा। हर गांव, ढाणी, तहसील की दुकान पे जो भीड़ लगी थी उसके लिए मैंने 10 तारीख को मीटिंग ली थी यहाँ पर और डीलर्स को, अधिकतर को बुलाया भी था और मैसेज भी करवाया था डीलर्स से सबसे कि आप अपने घर से एक जना जाए, वहाँ पर्ची दे दे घर पे, फिर वो राशन ले जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर दूसरा है। बाकी सरकार ने ये भी निर्देशित किया है कि घर घर जा कर के राशन बांटें। तो अगर जहाँ पर गाड़ी जाती है जा सकती है, वहाँ पर गाड़ी की भी व्यवस्था करवा रखी है कि वो ट्रॉली में रख के ले जाते हैं या पिकअप में रख के ले जाते हैं, घर घर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा इस तरीके से भी अपनाया है कि पर्ची दे करके जिससे भीड़ नहीं पड़े एक एक जना जा करके ले आए और घर पे भी बांटने का प्रावधान है, लेकिन जहाँ गाड़ी नहीं जाती है तो वहाँ पर इस तरीके का वो कर रहे हैं। कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपकी अगर नॉलेज में कोई इस तरीके का व्यक्ति हो तो आप हमें सूचित करें, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी कि कुछ लोग राशन लेने जाते ही नहीं थे, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, भामाशाह से जुड़ने के लिए उन्होंने नाम जुड़वा रखा था, तो जितना उस लिस्ट में अनाज उठा रहे थे उतना ही वहाँ से अलॉट होके आता था।
तो इस कारण से ये परेशानी आई थी, अब सारे लोग ले रहे हैं। तो अब सारे का सरकार से भी आदेश हो गया है कि भाई सभी को दिया जाए, जितने राशन कार्ड हैं, जुड़े नहीं जुड़े, अगर आपकी नॉलेज में कोई इस तरीके का व्यक्ति आता है, आप भी हमारे साथ में इसका सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। पत्रकारों का भी, SDM, डॉक्टर्स, तहसीलदार, सभी का, पुलिस कर्मी है, आशा सहयोगी कर्मचारी जितने भी हैं, अध्यापक हैं, एक्शन हैं, BO हैं, ABO हैं, CDPO, सभी सहयोग कर रहे हैं। किसी को भी एक फ़ोन करती हूँ तो ये तुरंत फ़ोन अटेंड करके उसके प्रति कार्रवाई करते हैं। आपकी नॉलेज में कोई इस तरीके का है तो आप मुझे लिस्ट दीजिएगा। मैं आप सभी के बीच में ये कहना चाहती हूँ कि बांसूर में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की कंडीशन में भूखा नहीं रहेगा। आज 14 अप्रैल पे बाबा साहब के जन्मदिन पे पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। एकता के सूत्र में बंधे और एकता के लिए सभी दीप प्रज्वलित करें। आप सबको पुनः धन्यवाद पड़ेगा और जाग करके इस बीमारी से लड़ने के लिए हर गाँव में, अपने अपने गांव में, अगर कोई दूसरे गांव से आता है तो भी ये पूछना पड़ेगा कि भई आप कहां से आए हो, क्यों आए हो। और जिस तरीके से मेरा मानना ये है कि भारत देश में उदाहरण दिया जाता है, जब कोई गांव का आदमी कोई IAS पद पे, अच्छी पोस्ट पे जाता है कि ये गुदड़ी का लाल है, तो वो गुदड़ी के लाल को जागना पड़ेगा, हर इंसान को जागना पड़ेगा कि जब माताएँ बहनें एक गुदड़ी बना करके अपने देश में प्रसिद्धि पा सकती हैं, तो क्यों नहीं एक मास्क लगा करके अपनी इस महामारी से अपने को बचाने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाने के लिए, हर घर में हर इंसान को इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। अपनी सेफ्टी होगी, अपने देश की सेफ्टी होगी और सभी अपने घर में सुरक्षित रहें। बांसुर अलवर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट।